लगभग सभी प्राचीन शहर नदी किनारे बसे और विकसित हुए। ऐसे ही भारत के प्राचीनतम शहरों में से एक मथुरा शहर है, जिसके इतिहास का वर्णन न सिर्फ हिंदू पुराणों में बल्कि बौद्ध एवं जैन धर्म के ग्रंथों में भी मिलता है। इस शहर का विकास यमुना नदी के तट पर हुआ। वैसे तो मथुरा में कई घाट हैं, जैसे गौ घाट, श्रृंगार घाट, युगल घाट, लेकिन इन सब में सबसे प्रमुख है विश्राम घाट, जिसकी जड़ें द्वापर काल से जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि अपने दुष्ट मामा का वध करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने यहां आकर विश्राम किया था। श्री कृष्ण ने ब्रज में अपनी बाल लीलाएं पूर्ण करने के पश्चात समुद्र किनारे स्थित द्वारिका नामक सुंदर नगर बसाया, जिसके बाद से वह द्वारिकाधीश कहलाए। श्रीमद् भागवत जी की माने तो श्री कृष्ण कभी ब्रज को छोड़कर गए ही नहीं। मथुरा के विश्राम घाट के समीप स्थित अस्कुंडा घाट पर बना द्वारिकाधीश जी का मंदिर शहर के प्रमुख मंदिरों में से एक है। जिन्हें यहां राजाधिराज भी कहा जाता है। यह मंदिर अपनी भव्यता, संस्कृति और वास्तुशैली के लिए अद्वितीय स्थान रखता है। मंदिर मुख्य मार्ग से कुछ ऊंचाई पर आयताकार भूखंड पर निर्मित है, जिसकी लंबाई 180 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। मुख्य द्वार से मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने पर सामने की ओर विशाल जगमोहन है, जो कि खंभों की कई श्रृंखला पर टिका हुआ है, जिसके ऊपर के भाग पर गोल गुंबद है। इससे लगे हुए मुख्य शिखर के नीचे गर्भगृह है, जहां राजाधिराज राधा जी के साथ अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जगमोहन मंडप में श्री कृष्ण और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित लीलाओं को सुंदर चित्रों द्वारा दीवारों पर दर्शाया गया है, जो कि पहली ही नजर में ध्यान आकर्षित कर लेती है। यह मंदिर लगभग 200 वर्ष पूर्व सेठ गोकुलदास पारिख जी ने बनवाया था, जो ग्वालियर के राज दरबार के कोषाध्यक्ष थे। आइए मंदिर के बारे में हम अधिक जानते हैं द्वारिकाधीश मंदिर के पदाधिकारी से। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारिकाधीश में जिस मूर्ति का आप दर्शन कर रहे हैं, यह मूर्ति आज से लगभग 200 साल पूर्व ग्वालियर के सेठ पारिख जी के यहाँ खुदाई में मिली थी। उसके बाद उन्होंने अपने पुरोहित पंडितों को बुलाया मुझे क्या करना चाहिए। तब तक भगवान ने उन्हें स्वप्न दिया और सपने के बाद उन्हें ये कहा कि हमें कहीं ब्रज में विराजमान करो। सबसे पहले इस मूर्ति को पागल बाबा मंदिर के सामने, मंदिर का बगीचा है रतलौर बिहारी के पास, उसमें विराजमान किया। वहाँ सेवा पूजा हुई। उसके बाद इस मंदिर के लिए ज़मीन परचेज की गई। ये मंदिर की ज़मीन जो है चतुर्वेदी और मुसलमानों की थी, उन्होंने श्रद्धा भाव से इस जमीन को दिया। उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर का निर्माण सेठ लोग करा सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन सेवा पूजा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने तृतीय पीठाधीश्वर जो उस समय थे गोविंदलाल जी महाराज, उनको डोनेट कर दी। और उस दिन से लेके आज तक पुष्टि मार्ग संप्रदाय, जिसे वल्लभ कुल संप्रदाय भी कहते हैं, उसके अनुसार ये सेवा यहाँ होती है। वर्तमान में जो हमारे पीठाधीश्वर हैं श्री श्री 108 डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज काकरौली नरेश, वो उनकी देखरेख में यहाँ सभी कार्यक्रम होते हैं। यहाँ द्वारिकाधीश जी पुष्टि मार्गीय वल्लभ संप्रदाय द्वारा सेवित हैं, जहाँ ठाकुर जी के दिन में 8 झांकियों के दर्शन होते हैं।
मंगला झांकी के दर्शन प्रातः 6 बजे और शयन झांकी के दर्शन शाम 6 बजे होते हैं। पुष्टि मार्ग संप्रदाय, जिसे वल्लभ कुल संप्रदाय कहते हैं, उससे सेवा होती है। मूर्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका स्वरूप बाल स्वरूप है और यह भाव की सेवा है कि बालक को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इसलिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय में 8 झांकी होती है, प्रातःकाल मंगला, मंगला के बाद श्रृंगार, श्रृंगार के बाद ग्वाल और ग्वाल के बाद राजभोग। प्रातःकाल 4 झांकी सुबह होती है जिसमें 2 आरती होती है। सायंकाल 4 झांकी होती है जिसमें उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। तो संध्या आरती में आरती और शयन में आरती, इसलिए 8 झांकी और 4 आरती ये नृत्य प्रति होती है। ये जब भगवान गाय चरा के लौटते हैं तो उत्थापन उसे बोलते हैं। भगवान जैसे 11 बजे सो गए गाय चराने के, 4 बजे आए उत्थापन हुए, उत्थापन हो गए जैसे बालक सो जाता है, सो के लौटता है, उसे उत्थापन कहते हैं। उत्थापन के बाद भोग आ जाते हैं, भोग लगी आई, उसके बाद संध्या आरती हो गई और शयन में सब भोजन करके ठाकुर जी सो गए। यहाँ झांकियों के साथ होने वाला कीर्तन पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में निश्चित पदों के साथ होता है। पुष्टि मार्ग की जो कीर्तन पद्धति है वो अलग है और उस पद्धति से ही कीर्तन होता है। भोग का कीर्तन अलग है, श्रृंगार का कीर्तन अलग है, मंगला का कीर्तन अलग है ठाकुर जाने का, वो कीर्तन पद्धति पुष्टि मार्ग संप्रदाय की है। द्वारिकाधीश मंदिर में यूं तो हर दिन मनोरथ दर्शन होते ही हैं, लेकिन यहाँ की सबसे प्रमुख मनोरथ श्रावण मास में देखने को मिलती है, जहाँ राजाधिराज अलग अलग घटाओं में दर्शन देते हैं। कलाकृति के हिसाब से मंदिर को इतना स्पेसियस बनाया गया, उसे मंदिर का जगमोहन बोलते हैं। जगमोहन के बाद हमारा आप बैठे हैं, ये आंगन है। जगमोहन का पर्पज ये होता है कि ठाकुर जी की जो मेन मूर्ति है वो तो अचल मूर्ति है, साइड में जो मूर्तियाँ रखती हैं वो चल मूर्तियाँ हैं। जैसे मनोरथ होते हैं, घटाओं के कार्यक्रम होते हैं तो जगमोहन में ठाकुर जी निकल के आते हैं, झूले होते हैं तो झूले में ठाकुर जी निकल के आते हैं, अब रथ यात्रा होगी तो रथ यात्रा में ठाकुर रथ में विराजमान होंगे। तो जो चल मूर्तियाँ हैं वो निकलती हैं और जगमोहन में उस हिसाब से वो कीड़ा करती हैं, इसलिए उसे जगमोहन कहते हैं। इसके अलावा जो मनोरथ होते हैं, वह मनोरथ होता है जैसे आप देखते हैं सावन भावों में घटाओं का मनोरथ। घटाओं के मनोरथ से तात्पर्य यह है कि ठाकुर जी जो बाल स्वरूप में है उसको बाहर नहीं निकाला जाता, तो बाहर के मौसम की अनुभूति कराना घटा है कि आज बाहर का मौसम लाल हो रहा है, आज गुलाबी हो रहा है, कि आज पीला मौसम है तो पीली घटा होगी, लाल घटा, किस प्रकार घटा होता है। जन्माष्टमी पर ठाकुर जी का विशेष उत्सव होता है, दीपावली पर ठाकुर जी हटरी में विराजमान होते हैं। इस प्रकार से विविध मनोरथ करके लाल लड़ाए जाते हैं। मेन बात यह समझिए पुष्टि मार्ग संप्रदाय में ठाकुर जी का भाव है और लाल लड़ाने की परंपरा है, किस तरीके से हम लाल लड़ा सकें ठाकुर जी। मंदिर में अपरस का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें ठाकुर जी को समर्पित होने वाले पुष्प, भोग एवं वस्त्र को मंदिर में ही बनाया जाता है। ठाकुर जी की जो सेवा का क्रम है उसमें जो व्यक्ति प्रसाद बनाते हैं वह व्यक्ति बगैर सिले हुए वस्त्र पहन के प्रसाद बनाते हैं। किचन का या भोग बनने का सिस्टम हमारे यहाँ कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि वो भाव की प्रधानता है। अगर प्रसाद बना और आपका मन आ गया, प्रसाद बहुत अच्छा है, तो ठाकुर जी उसे नहीं अरोगे, वो सब सिस्टमेटिक है। ठाकुर जी की सब वस्तु जो है वो अपरस में होती है, किसी व्यक्ति को कोई वो दिखाई नहीं जा सकती ना उसे बताई। राजाधिराज की शयन आरती के पश्चात भक्तजन मंदिर से विश्राम घाट जाते हैं, जहाँ वे श्री कृष्ण की पटरानी श्री यमुना जी की संध्या आरती करते हैं। ये समझिए यमुना के तट पर जो पुण्य तीर्थ विश्राम घाट है उसके पास बसा हुआ ये द्वारकाधीश मंदिर अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। और विशेषता यही है कि घाट के पास है तो लोग यमुना जी की आरती और द्वारकाधीश का दर्शन एक साथ बड़े आनंद से कर सकते हैं। विश्राम घाट पर भाई दूज के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। इससे जुड़ी एक रोचक कथा के अनुसार श्री यमुना जी ने अपने बड़े भाई यमराज से वर मांगा कि जो भाई बहन भाई दूज के दिन यहाँ विश्राम घाट पर स्नान करेंगे उन्हें आप यमलोक लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इसी मान्यता के चलते लाखों की संख्या में भाई बहन यहाँ स्नान कर खुद को यमलोक से मुक्त मानते हैं। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। बोलिए राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश की जय।